हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबावुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के अपने फेवरेट रेस्टोरेंट मयूरा के बिल्कुल बाहर। और सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि लास्ट दो दिन से मैं कोई भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बिजी था अपने फ्रेंड्स के साथ में। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग जगह से जो यहाँ पत्या में पहुँचे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो अपने इंडियन भाई है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इन्हीं इंडियन भाइयों से जब कुछ बातचीत हुई तो कुछ ऐसी चीज़ें नई जानने को मिली जो शायद आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है जब भी आप लोग थाईलैंड एंट्री पास अप्लाई करें यहाँ पर थाईलैंड में आने के लिए। तो यार सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपने एक भाई का, आप लोग कह सकते हैं एक वर्स्ट एक्सपीरियंस जो उनके साथ में यहां पर हुआ अबाउट थाईलैंड एंट्री पास। ऐसा नहीं कि उनको यहां पर आने के बाद में कोई तकलीफ हुई है, यहां पर वो एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस छोटी सी भूल की वजह से, गलती की वजह से वो एक ही जगह पर स्टक हो गए यहाँ पर पत्या के अंदर। और वो पत्या से बैंकॉक जाना चाहते थे पर वो नहीं जा पाए, बिकॉज जब उन्होंने इंडिया से थाईलैंड पास अप्लाई किया तो थाईलैंड पास जब आप लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पर तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन अलग अलग प्लान्स होते हैं। अगर आप लोग सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो पहला प्लान दिखेगा वो आपको दिखेगा टेस्ट एंड गो, जिस प्लान के अंदर आप यहाँ पर आते हैं सिर्फ एक दिन का क्वारंटीन करने के बाद, लाइक जो भी 6 से 8 घंटे का टाइम होता है उसके बाद आप लोग फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद। और जो दूसरा प्लान है वो है यहाँ पर सैंडबॉक्स प्लान। सैंडबॉक्स के अंदर आप लोग 7 दिन आपको एक ही जगह पर स्टे करना पड़ेगा, एक ही होटल में स्टे करना पड़ेगा अगर आप लोग सैंडबॉक्स प्लान के अंदर आते हैं, लेकिन आप लोग कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद जो तीसरा जो प्लान है वो है यहाँ पर अल्टरनेटिव क्वारंटीन। और ये जो प्लान है ये उन लोगों के लिए है जो वैक्सीनेट नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए है या फिर जिन्होंने सिर्फ वैक्सीन का एक डोज लिया। लेकिन मेरे ये जो भाई थे ये फुली वैक्सीनेटेड थे, इन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए थे, लेकिन बाय मिस्टेक इन्होंने जो प्लान चूज किया वो कर दिया यहाँ पर अल्टरनेटिव क्वारंटीन प्लान। तो यार यहाँ पर आने के बाद जब वो होटल में पहुंचे तो उनको ऐसा बोला गया कि आपका जो थाईलैंड पास है इसके ऊपर लिखा हुआ इट्स अल्टरनेटिव क्वारंटाइन, तो आपको यहाँ पर क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ने यहाँ पर उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाया और जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे सब दिखाया। उन्होंने बोला बाय मिस्टेक मेरे से ये यहाँ पर हो गया, लेकिन यार इस चीज के बावजूद एक चीज जिसके लिए वो यहाँ पर स्टक हो गए, हालांकि होटल उनके साथ काफी फ्लेक्सिबल था, होटल को पता चल गया कि बाय मिस्टेक ये हुआ, लेकिन वो यहाँ से बैंकॉक जाना चाहते थे, 2 दिन बैंकॉक में बिताना चाहते थे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, मोचाना जो यहाँ का एक लोकल ऐप है और वो आपको फॉलो करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो यार वो 7 दिन उनको यहाँ पर ही निकालने थे एनी हाउ। तो यार यहाँ पर मेरे भाई को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो जो प्लान करके आए थे कि मैं 4 दिन यहाँ पर पत्या में रहूँगा, 3 दिन मैं बैंकॉक में रहूँगा, तो जो उनका प्लान था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो प्लीज़ आप लोग जब भी थाईलैंड एंट्री पास अप्लाई करते हैं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आप लोग किसी आपके फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए थाईलैंड एंट्री पास फिल करने में, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन आप लोग ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका एक ट्रिप जो आप प्लान कर रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और इसके अलावा मेरे एक दूसरे भाई का मेरे पास कॉल आया था इंडिया से, जिनका कहना ऐसा था कि बाबा हमने 8 दिन पहले थाईलैंड पास अप्लाई किया था लेकिन हमारा थाईलैंड पास अभी तक हमको नहीं मिला है। तो यार मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि प्लीज़ आपका जो डिटेल है आप मुझे शेयर कीजिए, जो भी आपने होटल बुक किया है वो भी आप मुझे शेयर कीजिए, तो लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों आपका थाईलैंड पास अभी तक आपके पास में नहीं आया है। तो यार जब मैंने उनके जो डिटेल्स हैं जो डॉक्यूमेंट चेक करे तो उन्होंने जो होटल बुक कराया था वो एक वेबसाइट से बुक कराया था। तो यार वेबसाइट से अगर आप लोग SHA प्लस प्लस होटल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो आपको एक दिन के क्वारंटीन के लिए बुक कराना, तो कई बार ऐसा होता है कि यार वेबसाइट्स जो होती हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, वो आपको बुकिंग कंफर्मेशन दे देते हैं कि आपका जो बुकिंग है वो कंफर्म हो गया, लेकिन होटल के साथ में उनका जो बुकिंग होता है वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो बुकिंग आएगा उस बुकिंग के ऊपर देखेंगे ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है, जो रेफरेंस नंबर आपको देता है आपका होटल, तो कहीं ना कहीं उनका जो रेफरेंस नंबर था उसमें मिसिंग था। इट मींस
उनका जो बुकिंग है वो यहाँ पर कंफर्म नहीं है। जिस टाइम यहाँ पर थाई ऑफिशियल्स ने उनसे क्रॉस चेक किया कि यार ये बंदा आपके यहाँ पर स्टे करने वाला है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि फिलहाल हमारे पास में ये बुकिंग कंफर्म नहीं है। तो यार कई बार ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यार सारी की सारी ऑनलाइन वेबसाइट इस तरह करती हैं, बट कुछ एक वेबसाइट है, तो यार जब भी आप लोग अगर ऑनलाइन बुक करते हैं, आप लोग किसी वेबसाइट के थ्रू बुक करते हैं, तो प्लीज चेक योर रेफरेंस नंबर ऑल्सो। रेफरेंस नंबर आप देखेंगे आपको ऊपर मिल जाएगा आपका, लाइक जो भी ऑनलाइन बुकिंग आएगा। तो यार यहाँ पर उनका रेफरेंस नंबर नहीं था, तो वो जो भाई थे उनके पास में यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम था, क्योंकि वो 25 तारीख को इंडिया से ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ पर थाईलैंड के लिए। तो उन्होंने बोला 25 को मुझे ट्रैवल करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैं उनको बोला ठीक है यार आपको मैं होटल का वेबसाइट दे देता हूँ, तो आप डायरेक्ट होटल की वेबसाइट से आप होटल आप बुक कर सकते हैं, या फिर आपके जो ट्रैवल एजेंट भाई जो यहाँ पर पत्या के अंदर है आप लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं कि प्लीज आप लोग हमारे लिए होटल बुक कर दीजिए, तो वो लोग भी जरूर आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें प्लीज आप लोग इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इस भाई के पास तो एक इनफ टाइम था, और आज या कल में जो दूसरा थाईलैंड पास है उनके लिए अप्लाई किया वो भी बहुत जल्दी उनको इनफेक्ट मिलने वाला है, शायद आज भी आ जाए, शायद कल की डेट पे भी उनका थाईलैंड पास उनको मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग भी इस तरह की मिस्टेक करेंगे और आपके पास में टाइम ना हो, मान लीजिए आप सिर्फ 8 दिन पहले ही, आपने 7 दिन पहले इनफेक्ट थाईलैंड पास अप्लाई किया और आपके साथ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप वापस थाईलैंड पास अप्लाई कर सके। तो प्लीज मेरे भाइयों इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स आपका पूरा जो ट्रिप है वो स्पॉइल कर सकती है। और इसके साथ साथ आप अपने बात करते हैं यहाँ पर थाईलैंड नाइट लाइफ की, क्योंकि थाईलैंड नाइट लाइफ को लेकर यार मेरे काफ़ी सारे भाई अभी भी काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं, इंडियन क्लब कब ओपन होंगे, नाइट लाइफ कब पूरी तरह से ओपन होगी। तो वो फिलहाल अगर आप लोग बात करें तो जो एक नाइट लाइफ है उसको अभी भी यहाँ पर होल्ड पे रखा गया है। तो यार अभी इसके ऊपर बहुत सारी लाइक बातचीत चल रही है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेज अगर बात करें थोड़े से अभी भी यहाँ पर हाई है, तो गवर्नमेंट किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आप लोग एक बार वापस से जो ये नाइट लाइफ है इसको आप लोग नॉर्मल देख सके, क्योंकि अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर इस पैंडेमिक को जो एंडेमिक करना है उसका जो टाइम यहाँ पर डिसाइड किया गया वो डिसाइड किया गया यहाँ पर 1st of July। तो जुलाई तक एनी हाउ जो इस पैंडेमिक है इसको एंडेमिक कर दिया जाएगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि जुलाई से पहले अपने को कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिल जाए। और उसके साथ अगर आप लोग इंडियन टूरिज्म की बात करें, इंडियन टूरिस्ट की बात करें, तो यार यहाँ पर अपने लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं थाई गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि यार जो यहाँ पर सडनली जो एक वॉर जैसा चल रहा है पूरी दुनिया में, तो यार उससे कुछ टूरिज्म यहाँ पर कम हुआ है। आप लोग रशियन टूरिज्म की बात कर सकते हैं, आप लोग यूरोपियन टूरिज्म की बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन टूरिस्ट है उनका यहाँ पर इस तरह से आना लाइक सडनली एकदम गेन हो गया यहाँ पर टूरिज्म, तो वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन टूरिज्म इस टाइम यहाँ पर जो थाई टूरिज्म है उसको यहाँ पर संभाल रहा है। तो यार हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है उसको यहाँ पर और कम कर दिया जाए, कि वो लोग भी ऐसा चाहते हैं कि इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए, और जो एक कह सकते हैं कि 2 साल से जो एक टाइम चल रहा है हर कंट्री के लिए वो टाइम को यहाँ पर कुछ सुधारा जा सके। तो आई होप बहुत जल्दी ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कम हो जाएंगी, और बहुत जल्दी अपने भाइयों से मेरी मुलाकात भी यहाँ पर हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।